इसकी वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन तीन तरह के कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं। नंबर वन, जेनेटिक्स, यानी वो लोग जिनके ख़ानदान में शुगर की बीमारी बहुत ज़्यादा होती है, उनमें ये रिस्क होता है कि उनमें भी शुगर की बीमारी हो सकती है। और जेनेटिक ऐसी चीज़ है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ है आपका लाइफस्टाइल, कि एक्सरसाइज बिल्कुल ना करना और खाना ज़्यादा खाना, ये ऐसी चीज़ है जिसको मॉडिफाई किया जा सकता है। और तीसरा रिस्क फैक्टर है मोटापा, और इंक्रीजिंगली चूंकि पूरी दुनिया में मोटापा, या जिसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से शुगर का इंसिडेंस भी पूरी दुनिया में बढ़ता चला जा रहा है, और पाकिस्तान में भी स्पेशली शहरों में, चूंकि वेस्टर्नाइजेशन होती जा रही है, हमारी खुराक पहले की निस्बत हाई कैलोरिक और रिफाइंड होती है, जिसकी वजह से शुगर का रिस्क मोटापे के बैकग्राउंड के ऊपर बढ़ना शुरू हो गया।